ख्वाजा बरादरान को बख्तरबंद गाड़ी में क्यों लाया गया? मुस्लिम लीग नून हुकूमत पर बरहम। ऐसा सलूक तो दहशत गर्दों के साथ किया जाता है। बख्तरबंद में लाना अफसोसनाक और तजहीन का मेज रवैया है। तर्जमान नून लीग की मजम्मत, हुक्मरान ऐसे रवैये ना अपनाए कि कल उनसे बर्दाश्त ना हो। मरियम औरंगजेब। बख्तरबंद गाड़ी में पेशी, बख्तरबंद गाड़ी में वापसी। पैरागोन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 16 रोज की तौसी। 4 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को रिपोर्ट पेश करने की हदायत। साद रफीक और सलमान रफीक को पेशी के बाद वापस बख्तरबंद गाड़ी में कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस एहलकार बख्तरबंद गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए धक्के लगाते रहे। बख्तरबंद गाड़ी में बैठने से पहले ना फिर हाँ, पेशी से कबल ख्वाजा साद रफीक की नई शर्त। बख्तरबंद गाड़ी में अदालत जाने से इनकार किया। बख्तरबंद गाड़ी के बजाय बड़ी गाड़ी मंगवाने का मुतालबा। पुलिस एहलकारों की मिन्नत समाजत के बाद गाड़ी में बैठ गए। 60 साल पुरानी बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, ये हमारे साथ ज्यादती है। ख्वाजा साद रफीक फट पड़े। बदसलूकी की जिम्मेदार पुलिस है। गाड़ी में झटके लगने से मेरी टांग दर्द करने लगी। फवाद चौधरी जेल को 5 स्टार कहते हैं। सेल में आकर तो देखें, जहां सारा दिन मुंह पर चूना गिरता है। ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगु। ख्वाजा बरादरान की जमानत के लिए अपने वकील अमजद परवेज से मुशावरत भी मुकम्मल। वकील की दरख्वास्त जमानत दायर किए जाने की तस्दीक। नवाज शरीफ का जिना हॉस्पिटल में दूसरा रोज कमर दर्द ठीक। आज इकोग्राफी समेत दीगर टेस्ट किए जाएंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जिना हॉस्पिटल आमद, नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ को जिस तरह हॉस्पिटल लाया गया उस पर तशवीश है। मेडिकल बोर्ड ने कार्डिक हॉस्पिटल मुंतकिल करने की सिफारिश की थी। हुकूमत PIC की बजाय जिना हॉस्पिटल ले आई। रिहाई के बाद शहबाज शरीफ की रात को लाहौर आमद। दोपहर 12 बजे भाई नवाज शरीफ से इयादत करने पहुंच गए। अस्पताल में नारे लगाने पर नाराज, चुप हो जाओ ये अस्पताल है, कारकुनान को मना करते रहे। भाई से मिलने के बाद मां से मिलने जाति उमरा पहुंच गए। रिहाई के बाद खुशगवार लम्हात, शहबाज शरीफ और तहमीना दुरानी की गपशप, मुस्कुराहटों का तबादला। तहमीना दुरानी ने तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। नवाज शरीफ तमाम तिब्बी सहूलियात से मुतमईन हैं। जाती मालिज को मेडिकल बोर्ड में शामिल नहीं कर सकते, मशवरा जरूर हो सकता है। MS डॉक्टर आसिम हमीद की नवाज शरीफ की सेहत के बारे में गुफ्तगु। सहूलियात का फकदान या ख्वाहिशात का एहतराम। नवाज शरीफ के कमरे में कल 32 इंच की LED लगाई। अब पानी गर्म करने के लिए गीजर भी लगा दिया गया। तब्दीली सरकार को अक्सरियत का खुमार। कायमा कमेटियों की तश्कील के मामले पर नया तनाजा। बेशतर PTI अरकान का कायमा कमेटियों में ओपोजिशन को वोट देने से इनकार। तयशुदा फार्मूले के तहत हुकूमत को 21 जबकि ओपोजिशन को 19 कमेटियों की सरबराही मिलनी है। N126 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह। ट्रांसफार्मर और 4 बिजली के खंभों की तंसीब। हल्के के लिए 2 करोड़ रुपए की इमदाद का भी ऐलान। मसाइल विरसे में मिले, मुश्किलात और खसारे से निकल रहे हैं। मईशत इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ गामजन है। वज़ीर मुमलिकत हम्माद अज़हर की मीडिया से गुफ्तगु। मियां असलम इकबाल ने कहा कि हुकूमत पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। अब कोई 10% है और ना एहतसाबुर रहमान। नजरसानी बोर्ड का भारतीय कैदियों को काउंसिल तक रसाई देने का हुक्म। भारत में जो कुछ हमारे कैदियों के साथ होता है, हमने ऐसा नहीं करना। जस्टिस शेख असमत सईद के ज़हनी माजूर भारतीय कैदियों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। 3 भारतीय कैदियों समेत 7 अफराद को रिहा करने का हुक्म जारी। 26 कैदियों की नजरबंदी में 3 माह की तौसी। 4 ज़हनी माजूरों को कोर्ट लखपत जेल से मेंटल अस्पताल मुंतकिल करने के अहकाम। हुकूमत खवातीन को तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम कर रही है। खातून को वजारत सेहत का कलमदान सौंपना मिसाल है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का लाहौर कॉलेज फॉर वेमेन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल फार्मेसी कॉन्फ्रेंस से खिताब।
गैपको में गैर कानूनी भर्ती केस, राजा परवेज अशरफ की बरियत के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त। नैब के पास कोई सबूत नहीं, सियासी बुनियादों पर केस में मुलविस किया गया, दरखास्त में मौकिफ। लाहौर में बड़े मंसूबे की तैयारी, 17 किलोमीटर रिंग रोड तैयार करके लाहौर कराची मोटरवे से जोड़ा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करने के लिए सेक्शन 4 के अहकाम जारी कर दिए। मंसूबे की कॉपी लाहौर न्यूज पर। एलडीए प्लाजा में लगी आग भी इंतजामिया की रविश ना बदल सकी। एलडीए जोहर टाउन ऑफिस में आग लगने पर इमरजेंसी निकलने वाले रास्ते बंद। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के मुरासले ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। मेडिकल स्टोर्स में एसओपीज के तहत इंतजामात ना करने का मामला, डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। सालेह सईद ने केस से मुतालिक फैसले दिए। ड्रग इंस्पेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के मेंबरान भी मौजूद। दुल्हन का सूट बर वक्त तैयार ना करने पर 5,67,000 हट जाने का दावा। सारिफ अदालत का कायनात जरी हाउस रंग महल को 17,500 रुपए अदा करने का हुक्म। 15 मार्च के लिए शो कॉज नोटिस जारी। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तलबा की मावनत करने में पेश। 20,000 से ज्यादा तलबा को इंजीनियरिंग और मेडिकल में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए मदद फराहम। टेस्ट में शरीक 2,500 तलबा को एंट्री टेस्ट की मुफ्त तैयारी कराई जाएगी। बादलों ने फिर बरसने की तैयारी कर ली। कल से मूसलाधार बारिश की पेश गोई। ईरान से आए पानी से भरे बादल शहर पर बरसेंगे। शहर और गिरदोनवा में छाई धुंध भी कम होने लगी। लाहौर से शेखपुरा तक मोटरवे 4 घंटे बंद रखने के बाद खोल दी गई। और चिड़ियाघर में सजी वर्ल्ड पेंगोलिन डे से मुतालिक तकरीब। शिरका का पेंगोलिन को महफूज बनाने के लिए लोगों में शऊर पैदा करने की जरूरत पर जोर। बच्चों की पेंगोलिन की तस्वीर वाले बैनर्स के साथ एंट्री।